माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मुंबई, कोलकाता एवं नोएडा स्थित तीन संस्थानों में नव निर्मित उच्च स्तरीय अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करें। नमस्कार। देश के करोड़ों नागरिक कोरोना वैश्विक महामारी से बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। आज जिन हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी का लॉन्च हुआ है, उससे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है। साथियों, दिल्ली एनसीआर, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े सेंटर हैं। यहां देश के लाखों युवा अपने कैरियर को, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। अब तीनों जगह देश की जो उपलब्ध कैपेसिटी है, उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। एक अच्छी बात यह भी है कि ये हाईटेक लैब्स सिर्फ कोरोना टेस्टिंग तक ही सीमित रहने वाली नहीं है, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में हेपेटाइटिस बी और सी, एचआईवी, डेंगू सहित अनेक बीमारियों की टेस्टिंग के लिए भी इन लैब्स में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर और उससे जुड़े दूसरी संस्थाओं से सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिए गए, आज उसी का परिणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी संभली हुई स्थिति में है। आज हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु बड़े बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है। वहीं हमारे यहां रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और दिनों दिन सुधार भी हो रहा है। आज भारत में कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक होने वालों की संख्या करीब करीब 10 लाख पहुंचने वाली है। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस बड़ी और लंबी लड़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि देश में तेजी के साथ कोरोना स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो। इसी वजह से बहुत शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया था। आइसोलेशन सेंटर हो, कोविड स्पेशल हॉस्पिटल हो, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग से जुड़ा नेटवर्क हो, भारत ने बहुत ही तेज गति से अपनी क्षमताओं का विस्तार किया। आज भारत में
11,000 से ज्यादा कोविड फैसिलिटीज हैं, 11,00,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स हैं। साथियों, जनवरी में हमारे पास कोरोना के टेस्ट के लिए जहां मात्र एक सेंटर था, आज करीब 1300 लैब्स पूरे देश में काम कर रही है। आज भारत में 5,00,000 से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसको 10,00,000 प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। साथियों, कोरोना महामारी के दौरान हर कोई सिर्फ एक ही संकल्प के साथ जुटा है और वो संकल्प है एक एक भारतीय को बचाना है। इस संकल्प ने भारत को हैरतअंगेज परिणाम दिए हैं, विशेषकर पीपीई मास्क और टेस्ट किट्स को लेकर भारत ने जो किया वो सचमुच में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एक समय भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट मैन्युफैक्चरर है। सिर्फ 6 महीना पहले देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर नहीं था, आज 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज 5,00,000 से ज्यादा पीपीई किट बना रहे हैं। एक समय भारत N95 मास्क भी बाहर से ही मंगवाता था, आज भारत में 3,00,000 से ज्यादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं। एक समय था जब भारत वेंटिलेटर्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था, आज भारत में हर साल 3,00,000 वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित हो चुकी है। इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स के प्रोडक्शन में भी काफी मात्रा में वृद्धि की गई है। सभी के इन सामूहिक प्रयासों की वजह से आज न सिर्फ लोगों का जीवन बच रहा है, बल्कि जो चीजें हम आयात करते थे अब देश उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। साथियों, इतने कम समय में इतना बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना कितनी बड़ी चुनौती रही है, इससे भी आप भली भांति परिचित है। एक और बड़ा चैलेंज था कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए देश में ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना। जितने कम समय में हमारे पैरामेडिक्स, आशा वर्कर्स, एएनएम, आंगनवाड़ी और दूसरे हेल्थ और सिविल वर्कर्स को ट्रेन किया गया वो भी अभूतपूर्व है। आज अगर भारत की कोरोना से लड़ाई को देखकर दुनिया अचंभित है, बड़ी बड़ी आशंकाएं गलत साबित हो रही हैं, तो उसका एक बड़ा कारण हमारे ये फुट सोल्जर भी है। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज हम उस स्थिति पर आ पहुंच चुके हैं जहां हमारे पास जागरूकता की कमी नहीं है, साइंटिफिक डेटा का विस्तार हो रहा है,
संसाधन भी बढ़ रहे हैं। अब हमें राज्य के स्तर पर, जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर डिमांड और सप्लाई के मैनेजमेंट को और चुस्त दुरुस्त करना है, मजबूत करना है। हमें मिलकर नया हेल्थ इंफ्रा तो तैयार करना ही है, जो हमारे पास गांव गांव में सरकारी और प्राइवेट डिस्पेंसरीज हैं, क्लिनिक हैं, उनको ज्यादा सक्षम भी बनाना है। ये हमें इसलिए भी करना है ताकि हमारे गांवों में कोरोना से लड़ाई कमजोर न पड़े। अभी तक गांवों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और इसके साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कोरोना योद्धा किसी तरह की थकान का शिकार न हो। हमें नए और रिटायर्ड जो भी प्रोफेशनल्स इस सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स को हेल्थ सिस्टम से जोड़ने के लिए भी लगातार काम करना होगा। साथियों, आने वाले समय में बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। हमारी ये उत्सव उल्लास का कारण बने, लोगों में संक्रमण न फैले, इसके लिए हमें हर सावधानी रखनी है। हमें ये भी देखते रहना होगा कि उत्सव के इस समय में गरीब परिवारों को परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ हर गरीब परिवार तक समय पर पहुंचे, हमें ये भी सुनिश्चित करना है। साथियों, हमारे देश के टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, दो गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है, एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयु के सभी परिजनों को भी बचाना है। मुझे विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम सभी मिलकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। एक बार फिर इन हाईटेक सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।